हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर नंबर 1 हमने एक्सप्लेन किया था उसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ अल्फाज के मानी हमें लिखने हैं अपनी कॉपी में, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला अल्फाज उसमें जलवा आया था, तेरा जलवा चार सू है, ये हमने लाइन पढ़ी थी। जलवा का मतलब होता है अल्लाह ताला का नूर या उसकी तजल्ली। दूसरा वर्ड है हमारा, दूसरा लफ्ज़ है चर्चा। चर्चा का मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, यानी हमने उस हमद में अल्लाह ताला का जिक्र किया था। तीसरा जो वर्ड है हमारा कू बकू, हमने बताया था ना तेरा जलवा चार सू है, तेरा चर्चा कू बकू है, यानी तेरा जो जिक्र है वो हर जगह है, जगह जगह है। ठीक है, कू बकू का मीनिंग जो होता है वो जगह जगह होता है। दौरान दरिया, दौरान दरिया अगला लफ्ज़ है हमारा, जिसका मीनिंग होता है दरिया के अंदर। नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा रवानी, जिसका मानी है दरिया का बहाव। और नेक्स्ट है फैज़, फैज़ का मानी है हमारा करम या मेहरबानी। अगला लफ्ज़ है हमारा बेड़ा, बेड़ा का मानी होता है कश्ती या नाव। अगला जो वर्ड है हमारा वो है संग, संग का मानी होता है पत्थर। अगला जो लफ्ज़ है राजिक, राजिक का मानी होता है रिस्क देने वाला। अगला वर्ड है खालिक, खालिक का मतलब होता है बनाने वाला या खल्क करने वाला। और गुहर, गुहर का मतलब होता है मोती। ठीक है, तो ये अल्फाज मानी हैं जिसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली हमारी बुक में जो एक्सरसाइज है वो है खाली जगह भरिए और शेर मुकम्मल करिए। तो आपकी बुक में दे रखा है तू खालिक जहाँ है, आपको उसके आगे वाली लाइन लिखना है तू राज़िक़े जहाँ है। बुक में आपकी पहला शेर जो है ये कंप्लीट हो गया। दूसरी खाली जगह में आपको पहला वाला पहले वाला मिसरा जो है वो शेर का मिसिंग है, और दूसरा मिसरा दे रखा है तू खुश्क और तर में, तो हमें इसे कंप्लीट करना है तू ही बहर और बर में। तीसरा जो खाली जगह है उसमें पहला मिसरा हमें दे रखा है बुक में, तुझे हर जगह है पाया, हमने इसका मिसराए सानी लिखना है तेरी हमद है खुदाया। चौथा जो खाली जगह है उसमें मिसराए अव्वल जो है वो नहीं दे रखा है, और दूसरा दे रखा है तू लगा दे पार बेड़ा, तो हमें इसका पूरा करना है कि भंवर से राज का भी तू लगा दे पार बेड़ा। राज मैंने आपको बताया था कि याकूब हुसैन राज इसके जो है वो हमद के राइटर हैं, सो इनका ये तखल्लुस यूज़ हुआ है इसमें, इसमें हम इस तरह से साइन बना लेंगे। पांचवी जो खाली जगह है उसमें मिसरा अव्वल दे रखा है तू ही सबके काम आया, और मिसरा सानी हमको लिखना है तेरी हमद है खुदाया। छठा तेरी हमद है खुदाया, तो अगले वाले मिसरे में भी हमको लिखना है तेरी हमद है खुदाया। तो ये हमारी खाली जगह शेर मुकम्मल करने की थी जो हमने यहाँ पर कर ली। आगे अगली एक्सरसाइज जो हमारी बुक में दे रखी है, दर्ज ज़ेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। इमला का मतलब होता है कि इनकी स्पेलिंग ठीक कीजिए, इनका स्पेलिंग गलत दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है खे अलिफ ज़बर खा लाम काफ ज़रलिक खालिक, लेकिन खालिक, खालिक छोटा काफ है, जबकि खालिक में बड़ा काफ आता है, खालिक होता है, हलक से निकलती आवाज़। ठीक है, तो इसका इमला बड़ा काफ में हम कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा राजिक दे रखा है, तो राजिक में भी यही गलती है, छोटा काफ दे रखा है, हमें बड़ा काफ लगाना है राजिक। ठीक, उसके बाद है हमारा फैज़, तो फैज़ स्टूडेंट जोए से नहीं लिखा जाता है बल्कि फैज़ में ज़्वाद आता है। इसी तरह से बहर, बहर में छोटी हे नहीं आती है, बहर में बड़ी हे आती है। उसके बाद हमद, हमद छोटी हे से नहीं लिखा जाता है, हमद बड़ी हे से लिखा जाता है। उसके बाद फिर शंग लिखा है यहाँ पर, शंग कुछ नहीं होता है, संग होता है, जिसका मानी पत्थर होता है। तो यहाँ पर हमने इमला दुरुस्त किया। अगली एक्सरसाइज जो हमारी बुक में दे रखी है वो ये दे रखी है, मुताजाद से मिलाइए। मुताजाद का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, एक दूसरे की ज़िद। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे अल्फाज। ठीक, तो ये मुताजाद में बहर, बहर का मुताजाद होगा बर, खुश्क का मुताजाद होगा तर, कतरा का मुताजाद होगा समंदर, और गुहर, गुहर का मुताजाद होगा संग, और मालिक का मुताजाद होगा ग़ुलाम। आगे स्टूडेंट्स फिर कुछ सवाल और उनके सवालात दे रखे हैं जिनके जवाबात हमको लिखना है। तो पहला सवाल आपकी बुक में दिया है, दुनिया का खालिक और राजिक कौन है, सभी पर किस का फैज़ है। तो हमें इसके जवाब में क्या लिखना है, हमने हमद में पढ़ा ही था कि दुनिया का खालिक और राजिक अल्लाह है और सभी पर इसी का फैज़ है। सवाल नंबर दो दे रखा है, बहरो बर खुश्क और तर और संग और शजर का मालिक कौन है,
तो आप सभी को मालूम है, दुनिया की हर चीज़, चाहे वो बहर और बर हो, चाहे वो खुश्क और तर हो, या संग और शजर हो, सबका मालिक कौन है? अल्लाह है। तीसरा सवाल दे रखा है, आखिरी बंद में शायर क्या कहता है? शायर का नाम भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा, आखिरी बंद में शायर शाह बतहा का वसीला देकर अपने लिए दुआ कर रहा है, और शायर का नाम याकूब हुसैन राज है। ये हमने आपको बताया भी था कि इसके जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, वो याकूब हुसैन हैं। और आखिरी सवाल है आपकी बुक का कि हर जगह और हर तरफ किसका चर्चा है? तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे, हर जगह और हर तरफ अल्लाह का चर्चा है। ये तो एक्सरसाइज मैंने समझाने के लिए छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया था। अब मैं इसका जो एक्सरसाइज का PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।